नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का। इससे थ्योरेटिकल और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने वेव प्रोपगेशन वाले चैप्टर में देखा था, हर एक वेव प्रोपगेशन टेक्निक्स लाइक ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, स्काई वेव प्रोपगेशन के कुछ लिमिटेशंस थे। लिमिटेशंस ये थे कि वो कुछ ही डिस्टेंस तक कम्युनिकेशन कर पाते थे। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें सैटेलाइट कम्युनिकेशन से, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू दोस्तों हम लॉन्ग डिस्टेंस तक कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इसलिए हमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ी। द मैक्सिमम हॉप और द स्टेशन डिस्टेंस इज लिमिटेड टू 1500 किलोमीटर ओनली इन बोथ ग्राउंड वेव प्रोपगेशन एंड स्काई वेव प्रोपगेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन ओवरकम दिस लिमिटेशंस। इन दिस मेथड सैटेलाइट प्रोवाइड कम्युनिकेशन फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। दोस्तों, उसमें क्या था कि जनरली हम स्काई वेव प्रोपगेशन के थ्रू या फिर ग्राउंड वेव प्रोपगेशन के थ्रू लगभग 1500 किलोमीटर तक ही कम्युनिकेट कर पाते थे, लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा हमें कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, तो इसलिए हमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे जाना पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो ये ज़रूरत थी, ये एक्चुअल नीड था सैटेलाइट कम्युनिकेशन का, कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस तक कम्युनिकेट करना हो उस केस में सैटेलाइट कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ी। दोस्तों, अ सैटेलाइट इज़ अ बॉडी दैट मूव्स अराउंड अनदर बॉडी इन अ पर्टिकुलर पाथ। सैटेलाइट क्या है? जो किसी और बॉडी के थ्रू अराउंड मूव करती है, जिसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट बोला जाता है। अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज नथिंग बट अ माइक्रोवेव रिपीटर। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या है? एक माइक्रोवेव रिपीटर्स है। अब दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि रिपीटर्स एक्चुअली होते क्या है। रिपीटर्स वो डिवाइस होते हैं जो बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में यूज होते हैं, जो इनपुट सिग्नल लेते हैं और उसको आउटपुट सिग्नल देते हैं। इनपुट आउटपुट में सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि ये डिस्टॉर्टेड इनपुट सिग्नल लेते हैं और ये अनडिस्टॉर्टेड आउटपुट सिग्नल लेते हैं, और ये वीक सिग्नल को रिसीव करते हैं और उसे एम्पलीफाई करके फिर से उसे ट्रांसफ़र करते हैं। मीन्स रिपीटर का काम बेसिकली ये होता है कि वीक, अब क्या है कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है, तो जितना डिस्टेंस पे कम्युनिकेशन होगा, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा दोस्तों, तो अदर सारे अदर फैक्टर्स भी उस सिग्नल को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, तो सिग्नल क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, उस सिग्नल को फिर से स्ट्रांग करना होगा। तो उसको फिर से स्ट्रांग करने के लिए, उसमें जो नॉइज़ वगैरह ऐड हो गए हैं उसको रिमूव करने के लिए हमें रिपीटर्स की ज़रूरत पड़ती है। रिपीटर्स बेसिकली यही होते हैं कि वो वीक सिग्नल को लेते हैं, उसको एम्पलीफाई करते हैं और फिर से ट्रांसफ़र करते हैं। फिर आगे चल के अगर वो वीक हो जाता है, तो फिर से उस वीक सिग्नल को रिपीटर लेगा, उसे क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा, नॉइज रिड्यूस करेगा, फिर से आगे उसको सिग्नल्स को भेजता है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए, तो सैटेलाइट बेसिकली क्या है, सैटेलाइट एक माइक्रोवेव रिपीटर्स है। सैटेलाइट एक माइक्रोवेव रिपीटर है जो कि स्पेस में प्रेजेंट है, अब बेसिकली क्या होता है, अब एक अगर बेस स्टेशन यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ से हमें सिग्नल यहाँ पे भेजना है, राइट। एक बेस स्टेशन यहाँ पे है, ट्रांसमिशन सेक्शन, और ये रिसीवर सेक्शन यहाँ पे है, यहाँ पे हमें सिग्नल भेजना है। तो डायरेक्टली हम इसको इस वेव में सिग्नल नहीं भेज सकते, क्योंकि जैसा कि अपने लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन वेव प्रोपगेशन में देखा था, स्काई वेव प्रोपगेशन, उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं ये, तो उसके कारण हम इसको डायरेक्ट सिग्नल नहीं भेज सकते। तो बेसिकली दोस्तों, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में क्या होता है कि ये सिग्नल जो है, ये सिग्नल ये डायरेक्टली इधर ना भेज के वो स्काई में भेजा जाता है, लाइक सैटेलाइट के पास भेजा जाता है। सैटेलाइट उस सिग्नल को रिसीव करता है, अगर वो सिग्नल वीक हुआ है तो उसको क्या करता है, एम्पलीफाई करता है, उसमें जो नॉइस प्रेजेंट है उसको रिमूव करता है, और फिर से उसको क्या करता है, जहाँ पे उसको भेजना होता है, जिस रिसीवर सेक्शन पे भेजना होता है, वहाँ पे उस सिग्नल को भेज देता है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो ट्रांसमिटिंग बेस स्टेशन और एंटीना के बीच में जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसे अपलिंक फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, या उसे ये इस कनेक्शन को अपलिंक बोला जाता है। और जो सैटेलाइट से रिसीविंग एंटीना के बीच में जो कनेक्शन होता है दोस्तों, उसे डाउनलिंक बोला जाता है, और उस फ्रीक्वेंसी को डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। अब दोस्तों, अगर बात करें, अ रिपीटर इज अ सर्किट विच इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द रिसीव सिग्नल
एंड देन ट्रांसमिट इट, बट दिस रिपीटर वर्क एज अ ट्रांसपोंडर, दैट मीन्स इट चेंजेस द फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल फ्रॉम द रिसीव्ड वन। तो दोस्तों रिपीटर्स क्या है, बेसिकली वही सिग्नल का स्ट्रेंथ को बढ़ा के उसको फिर से उसको ट्रांसमिट कर देता है। तो ये बेसिकली सैटेलाइट, यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद करने की जरूरत है, सैटेलाइट इज अ नथिंग बट इट इज अ माइक्रोवेव रिपीटर्स। अब दोस्तों अगर बात करें द फ्रीक्वेंसी विद विच द सिग्नल इज सेंट इन टू द स्पेस इज कॉल्ड एट अपलिंक फ्रीक्वेंसी, मीन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया वो फ्रीक्वेंसी जिससे बेस्ट ट्रांसमिशिंग बेस्ड स्टेशन से सिग्नल को भेजा जाता है, कहाँ पे सिग्नल को भेजा जाता है स्पेस में सैटेलाइट के पास, उसे अपलिंक फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। सिमिलरली द फ्रीक्वेंसी विद विच द सिग्नल इज सेंट टू द ट्रांसपोंडर, ट्रांसपोंडर इज कॉल्ड एज डाउनलोड फ्रीक्वेंसी। द फॉलोइंग फिगर, ये फिगर बताता है कि कैसे सैटेलाइट एक्चुअली वर्क करता है। अब दोस्तों क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है दोस्तों, ये जो अपलिंक फ्रीक्वेंसी होती है ये ग्रेटर देन होती है इस डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी से। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, अपलिंक फ्रीक्वेंसी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन फॉर डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी से हमेशा ज़्यादा होता है अपलिंक फ्रीक्वेंसी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, और प्लीज़ आप इसको आप समझ लीजिए। अब बेसिकली दोस्तों होता क्या, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्काई वेव प्रोपगेशन और ग्राउंड वेव प्रोपगेशन के कुछ लिमिटेशंस थे, आप लॉन्ग डिस्टेंस का कम्युनिकेशन उसके थ्रू नहीं कर सकते थे, बट सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एडवांटेज, इसका सिर्फ एक ही ये एडवांटेज है कि इससे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन किया जा सकता है, बट इसकी जो कॉस्ट होती है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ये आपको पता है। बट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू पॉसिबल है। अब दोस्तों इसके अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे जाएँ, अब दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन के। सैटेलाइट इज अ माइक्रोवेव रिपीटर, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, विच इज प्लेस एट अ सर्टेन हाइट एंड और एट सर्टेन एल्टीट्यूड, जो कि एक सर्टेन हाइट और सर्टेन एल्टीट्यूड पे प्लेस होता है। अगर दोस्तों सैटेलाइट को क्लासीफाई किया जाए तो उनके प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन के बेसिस पे हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन देयर प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन सैटेलाइट कैन बी कैटेगराइज इंटू टू कैटेगरीज, फर्स्ट वन इज पैसिव सैटेलाइट एंड सेकेंड वन इज एक्टिव सैटेलाइट। अगर दोस्तों पैसिव सैटेलाइट की बात करें तो मेटेलिक ऑब्जेक्ट, जिसमें पैसिव सैटेलाइट के केस में जो अपलिंक फ्रीक्वेंसी होती है दोस्तों वो डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। पैसिव सैटेलाइट के केस में दोस्तों जो अपलिंक फ्रीक्वेंसी होती है वो डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, और जो उसका कवरेज एरिया होता है वो बहुत ही कम होता है। जी हाँ दोस्तों, कवरेज एरिया उसका बहुत ही कम होता है। अब दोस्तों अगर बात करें एक्टिव सैटेलाइट की, तो दोस्तों एक्टिव सैटेलाइट के केस में जो अपलिंक फ्रीक्वेंसी होती है वो डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है, और मोस्टली हम लोग यही यूज करते हैं सैटेलाइट, मोस्टली हम लोग दोस्तों एक्टिव सैटेलाइट ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें लार्ज कवरेज एरिया चाहिए होता है, मोर कवरेज एरिया चाहिए होता है। अगर हमें कम कवरेज एरिया लेना है तो हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे जाएंगे ही क्यों, स्काई वेव प्रोपगेशन का यूज़ कर लेंगे, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन का यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ इसीलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कर सके, तो उसका कवरेज एरिया हो ज़्यादा रह सके। तो ये एक्टिव एंड पैसिव सैटेलाइट्स हैं। अब दोस्तों अगर बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने आपको वेव प्रोपगेशन के चैप्टर में के बैंड और के यू बैंड के बारे में बताया था, जिसमें सैटेलाइट वर्क करता है। के बैंड और के यू बैंड के बारे में बताया था, आई थिंक जो के बैंड की फ्रिक्वेंसी थी ये 6/4 और आई थिंक ये 12/16, मुझे करेक्ट याद नहीं है, बट मैं आगे चल के आपको बताऊँगा कि ये थे बैंड जो यूज हो रहे थे सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको ये याद करने की ज़रूरत है दोस्तों, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के और के यू बैंड पे ऑपरेट करता है, के और के यू बैंड पे ऑपरेट करता है, और ये बेसिकली माइक्रोवेव रिपीटर्स होते हैं। अब दोस्तों कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थ को पूरा अर्थ को कवर करने के लिए मैक्सिमम कितने सैटेलाइट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों अगर एक सैटेलाइट को देखा जाए, एक सैटेलाइट मैक्सिमम आइडल केस में देखा जाए दोस्तों तो 120 डिग्री का कवरेज देता है, 120 डिग्री का कवरेज देता है। तो अगर अर्थ सरफेस को दोस्तों ये लिया जाए तो पूरे अर्थ को कवर करने के लिए बेसिकली तीन सैटेलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है। मिनिमम तीन सैटेलाइट से
हम पूरे अर्थ का कवरेज ले सकेंगे अगर ये इस सैटेलाइट का अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये 120 डिग्री का कवरेज देगा, ये 120 डिग्री का कवरेज देगा, ये पार्ट अर्थ का पूरा कवर हो जाएगा। इस सैटेलाइट की बात करें दोस्तों, तो ये भी 120 डिग्री का कवरेज देगा, तो इतना पार्ट अर्थ का कवर हो जाएगा। और इस सैटेलाइट की बात करें दोस्तों, तो ये तो मीन्स आप यहाँ पे देख सकेंगे बेसिकली तीन, मैक्सिमम तीन या मिनिमम तीन सैटेलाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर हमें पूरा अर्थ का कवरेज, अर्थ को कवरेज देना है। तो ये आइडल कंडीशन है दोस्तों, क्योंकि एक सैटेलाइट मैक्सिमम 120 डिग्री तक का कवरेज दे सकेगा। तो ये पॉइंट मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिनेशन में कि मिनिमम कितने सैटेलाइट्स की ज़रूरत पड़ सकती है पूरे अर्थ को कवर करने के लिए। और अगर दोस्तों, अगर सैटेलाइट को उनके ऑर्बिट के अकॉर्डिंग अगर कैटेगराइज किया जाए, तो इक्वेटोरियल ऑर्बिट सैटेलाइट्स होते हैं, पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट होते हैं, और इंक्लाइंड ऑर्बिट सैटेलाइट के कैटेगरी में क्लासिफाइड किया जाए। अगर उनके पाथ ऑफ रोटेशन पे उनको कैटेगराइज किया जाए, तो सर्कुलर ऑर्बिट सैटेलाइट हो जाएंगे, इलिप्टिकल ऑर्बिट सैटेलाइट हो जाएंगे। दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सैटेलाइट एक सैटेलाइट बेसिकली एक इलिप्टिकल पाथ अगर फॉलो कर रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा अर्थ है और ये सैटेलाइट है, ये इलिप्टिकल पाथ फॉलो कर रहा है। अगर वो अर्थ सरफेस से इस लॉन्ग डिस्टेंस को दोस्तों क्या बोलते हैं दोस्तों, अपोजी बोलते हैं, APOGEE, इसको ये पूछा जाता है कि अपोजी किसको बोलते हैं एंड पेरिजी किसको बोलते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, जो वो मिनिमम डिस्टेंस होता है, द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ एंड सेटेलाइट इज नोन एज पेरिजी, एंड द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ एंड सेटेलाइट इज नोन एज अपोजी। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ये कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। अब उनके एल्टीट्यूड पे अगर अकॉर्डिंग अगर सेटेलाइट को कैटेगराइज किया था दोस्तों, तो लो अर्थ सेटेलाइट और MEO मीडियम अर्थ ऑर्बिट सेटेलाइट एंड GEO जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट सेटेलाइट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट सेटेलाइट, जिसके बारे में बेसिकली लोग डिटेल से देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट सेटेलाइट, ये बेसिकली एक अर्थ का कवर करने में 24 घंटे का टाइम लेता है। ये सेटेलाइट जो है वो अर्थ को पूरा एक बार रोटेट करने में 24 घंटे का टाइम लेता है, जो कि 36,000 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। इसलिए दोस्तों इसको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिटल सेटेलाइट इसलिए बोला जाता है, क्योंकि आप अगर देखेंगे ये अर्थ है, तो जैसे जैसे अर्थ रोटेट करता है, सेम मैनर में ये सैटेलाइट भी उसी स्पीड से रोटेट करती है। तो ऐसा आपको प्रतीत होगा कि इस अर्थ सरफेस पे अगर आप खड़े हैं, तो सेम मैनर में जैसे जैसे अर्थ रोटेट करेगा, साथ साथ ये सैटेलाइट भी रोटेट करता है। तो इसलिए इसको बोला जाता है जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है, क्योंकि ये एकदम सिंक करके चलता है अर्थ के रोटेशन स्पीड से और खुद के रोटेशन स्पीड से। ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे जैसे अर्थ रोटेट कर रहा है, सेम मैनर में ये जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट भी रोटेट करती है। इसलिए दोस्तों इसको जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट बोला जाता है। ये 24 आवर्स में पूरे अर्थ का रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। दोस्तों अगर कुछ अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखे जाएँ सैटेलाइट कम्युनिकेशन के, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम एग्जिस्ट बिकॉज अर्थ इज अ स्फीयर, रिपीटर इज नीडेड टू कन्वे सिग्नल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। अ रिपीटर इज सिंपली रिसीवर लिंक्ड टू ट्रांसमीटर। रिपीटर दोस्तों बेसिकली क्या है कि यहाँ से एक सिग्नल को रिसीव कर रहा है, फिर इसको यहाँ पे कुछ इसमें उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, उसकी एम्पलीफिकेशन कर रहा है, नॉइज़ को रिड्यूस कर रहा है, फिर से उस सिग्नल को क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। सैटेलाइट सिस्टम ऑपरेट इन द माइक्रोवेव एंड मिलीमीटर वेव फ्रीक्वेंसी बैंड्स यूजिंग फ्रीक्वेंसी बिटवीन 1 to 50 GHz, 1 to 50 GHz के बीच में ये ऑपरेट होता है सैटेलाइट सिस्टम। दोस्तों अगर बात करें इन सैटेलाइट्स की, देर आर 4 सैटेलाइट सिस्टम हुज ऑर्बिटल वेलासिटीज हाइट एंड पीरियड इज गिवन एज। अगर हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करें, तो ये दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, अप्रॉक्सीमेटली ये 24 आवर्स लेता है पूरा चक्कर लगाने में अर्थ सर्फेस का, जिसकी वेलासिटी ये इस टेबल में दी गई है। इस पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बेसिकली क्वेश्चन
जियो पे ही पूछे जाते हैं, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको वो बेसिकली सिंक करके चलता है अर्थ के रोटेशन से, और उसका रोटेशन सेम प्रतीत होता है जैसा कि मैंने आपको बताया। अब अगर दोस्तों बात करें जियो स्टेशनरी एंड जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट के बारे में, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज इन ऑर्बिट हुज पीरियड इज सेम एज दैट ऑफ अर्थ रोटेशन पीरियड। जैसा कि मैंने आपको बताया जो अर्थ रोटेशन का पीरियड है उसका भी पीरियड सेम होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स के। इट रिमेन्स स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट ऑन अर्थ एट एनी टाइम। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट विल बी एट फिक्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट ऑन अर्थ एट द सेम टाइम एवरी डे बट नॉट ऑल द टाइम। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैज सर्कुलर ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी सर्कुलर सैटेलाइट के पास दोस्तों सर्कुलर ऑर्बिट होता है एंड हैज जीरो इंक्लिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू द इक्वेटर। इक्वेटर के साथ जीरो इंक्लिनेशन होता है और ये सर्कुलर पाथ फॉलो करता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट हैज एन इंक्लिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू इक्वेटर एंड ऑल्सो इट्स ऑर्बिट इज नॉट सर्कुलर। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट के बारे में एवरेज एंगुलर वेलासिटी ऑफ सैटेलाइट इज गिवेन बाई। एंगुलर वेलासिटी ऑफ सैटेलाइट दोस्तों यहाँ पे यह दिया गया है, ये है एंगुलर वेलासिटी सैटेलाइट की 2π/T बेसिकली, जहाँ पे म्यू क्या है, ये एवरेज एंगुलर वेलासिटी है सैटेलाइट्स की। सैटेलाइट लिंक डिजाइन। मेजर बैंड्स यूजेस फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन आर 6x4 GHz बैंड एंड 14x11 GHz बैंड, 30x20 GHz बैंड। द अपलिंक फ्रीक्वेंसी इज रिटेन फर्स्ट बाई कन्वेंसेशन। जो दोस्तों अपलिंक फ्रीक्वेंसी होती है उसको पहले लिखा जाता है, तो यहाँ पे इन तीनों बैंड्स में आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि जो अपलिंक फ्रीक्वेंसी है दोस्तों वो क्या है, हमेशा बड़ी होगी डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी से। एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज एटेन्यूएशन इन एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज। ऑल कम्युनिकेशन लिंक्स आर डिजाइन टू मीट सर्टेन परफॉर्मेंस यूजुअली अ बिट एरर रेट इन अ डिजिटल लिंक और अ सिग्नल टू नॉइज रेशियो इन एन एनलॉगिंग। दोस्तों ये PDF लिंक मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मुझे अच्छे लगे, मैं आप लोगों के सामने आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश किया। ये लिंक मैं ये PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसके थ्रू टेलीग्राम चैनल पे जाके ये PDFs का डिटेल आप पढ़ सकेंगे। दोस्तों एक फुल फॉर्म आप ये जरूर याद कर लीजिएगा, EIRP इफेक्टिव आइसोट्रोपिक रेडिएटेड पावर। इफेक्टिव आइसोट्रोपिक रेडिएटेड पावर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि EIRP का फुल फॉर्म क्या होता है इन टर्म्स ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन, तो प्लीज़ इसका फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा, इफेक्टिव आइसोट्रोपिकली रेडिएटेड पावर इज द फुल फॉर्म ऑफ EIRP। अब दोस्तों सैटेलाइट कम्युनिकेशन के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखा जाए तो आप यहाँ पे देखेंगे, फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सबसे पहला एडवांटेज यही है, एरिया ऑफ कवरेज इज मोर देन दैट ऑफ टेरेस्ट्रियल सिस्टम। जैसा कि पहले के जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं उससे इसका जो कवरेज एरिया होता है वो ज़्यादा होता है। ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द अर्थ कैन बी कवर्ड विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ट्रांसमिशन कॉस्ट इज इनडिपेंडेंट ऑफ कवरेज एरिया। जो इसका ट्रांसमिशन कॉस्ट होता है वो कवरेज एरिया पर डिपेंड नहीं करता, इसका जो ट्रांसमिशन कॉस्ट होता है वो दोस्तों फिक्स होता है। बेसिकली आपने देखा होगा कि ग्राउंड वेव प्रोपगेशन में कुछ अलग टाइप का ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, स्काई वेव प्रोपगेशन के लिए कुछ अलग टाइप का सिस्टम होता है। तो दोस्तों अगर सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करें तो मोर बैंडविड्थ एंड ब्रॉडकास्टिंग पॉसिबिलिटीज। दोस्तों सैटेलाइट कम्युनिकेशन से ज़्यादा बैंडविड्थ के सिग्नल और ब्रॉडकास्टिंग किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन की बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन से इसका बैंडविड्थ हमेशा कम ही रहेगा। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का बैंडविड्थ जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन की, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है। और दोस्तों अगर डिसएडवांटेज की बात करें सैटेलाइट कम्युनिकेशन की, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेज, लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट्स इज अ कॉस्टली प्रोसेस। जैसा कि आपको पता है सैटेलाइट को परफेक्टली लॉन्च करना एक कॉस्टली प्रोसेस है, और फ्री स्पेस लॉस इज मोर। फ्री स्पेस लॉस बहुत ज़्यादा होता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन के केस में,
देयर कैन बी कंजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज का कंजेशन हो सकता है सेटेलाइट कम्युनिकेशन में। प्रोपगेशन डिले ऑफ सेटेलाइट सिस्टम इज मोर देन डेट ऑफ कम्युनिकेशन टेरेस्ट्रियल सिस्टम। जैसा कि आपने देखा होगा अगर सेटेलाइट फोन से आप बात किए होंगे कभी, तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है एक सिग्नल्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने में, क्योंकि ये बहुत ही लंबा डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, तो जिसके कारण एक सिग्नल को एक ट्रांसमीटर सेक्शन से रिसीवर सेक्शन पे जाने में जो टाइम वो काफ़ी टाइम लग जाता है। आपने कभी अगर BSNL का सेटेलाइट फ़ोन यूज किया होगा तो उसमें ये आपको महसूस हुआ होगा कि जस्ट बोलने के 2-3 सेकेंड बाद बात को गैप करके सिंक करके बात करना पड़ता है दूसरे एंड के यूजर से। अगर इसका अगला डिसएडवांटेज देखें दोस्तों, तो डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड रिपेयरिंग एक्टिविटीज़ इफ़ एनी प्रॉब्लम अकर इन सैटेलाइट सिस्टम, मींस उसका आप रिपेयर प्रोबेबली नहीं कर सकते ऐसे सिस्टम में अगर कुछ होता है तो। अब दोस्तों अगर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के एप्लीकेशन देखें तो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग एंड वॉइस कम्युनिकेशन में सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज होता है, टीवी ब्रॉडकास्टिंग एंड डायरेक्ट टू होम DTH सर्विसेज में सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज होता है। इंटरनेट एप्लीकेशन सच एज प्रोवाइडिंग इंटरनेट कनेक्शन फॉर डेटा ट्रांसफर, GPS एप्लीकेशन, इंटरनेट सर्फिंग एक्सेट्रा में यूज होता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। मिलिट्री एप्लीकेशन में सैटेलाइट का यूज होता है, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन में सैटेलाइट का यूज होता है, वेदर कंडीशन मॉनिटरिंग एंड फॉरकास्टिंग के लिए भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज होता है। तो दोस्तों ये कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस और कुछ इंट्रोडक्शन था सैटेलाइट कम्युनिकेशन का। मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ पॉइंट्स इसके समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अगर प्लीज़ समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों एक पॉइंट और है कि जो ये सैटेलाइट का जो मोशन होता है, जो पाथ होता है, वो इलिप्टिकल पाथ होता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन का, जो केपलर के फर्स्ट लॉ से सैटेलाइट को फॉलो करता है। दोस्तों ये दोनों PDF मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप वहाँ जाके इन सबको डिटेल में पढ़ सकेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट है तो ज़्यादा बताने में कुछ इंटरेस्ट नहीं लगेगा आपको, आपको भी बोरिंग सा फील होने लगेगा। तो दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे जा करके मैं ये PDF सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा इसके और कुछ पॉइंट्स को। तो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक एंड कुछ क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद दोस्तों।